अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो सुबह के बज गए हैं जी तकरीबन 9 और अभी हम हैं इस वक्त पेशावर में, जैसा कि आप लोगों को पता है। और पेशावर में अभी हम लोगों का इरादा यह है कि हम लोगों को निकलना है आज घर के लिए वापस। वो घर के लिए वापस इस वजह से निकलना है कि हमारे जो हैं साकिब भाई, उनको भड़ गया जी क्या कहते हैं घर में कोई ज़रूरी काम, उनकी वजह से आज हमें निकलना पड़ेगा जल्दी घर के लिए। अब क्या है कि अब बज गए हैं तकरीबन 9 बज रहे हैं और हमने करना है नाश्ता। हालांकि जब को रात को जो है साकिब साहब कह रहे थे कि जी उन्हें निकलना, मैं सबको जो है ना सुबह 7 बजे उठा दूंगा और नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करना, नाश्ता वगैरह हम करेंगे अपने अपने घर जाके। लेकिन स्टिल हम रात को थोड़ा लेट सोए और लेट सोने का नतीजा ये हुआ कि सुबह थोड़ा सा लेट उठे। तो अभी एक तो हमें लग रही है भूख और मैंने साकिब साहब को कहा साकिब भाई चले जाएंगे पहुँचेंगे इंशाल्लाह खैरियत से, लेकिन नाश्ता किए बगैर नहीं जाऊँगा मैं, नाश्ता हल्का फुल्का मैं ज़रूर करके जाऊँगा। तो अभी करेंगे जी नाश्ता और हमारी जो गाड़ी, वो गाड़ी हमारी इधर मेन गैराज में नहीं खड़ी, गाड़ी हमारी खड़ी है इस घर के जो है इस घर के बैक साइड पर एक और दरवाज़ा है वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो अभी हम वहाँ जाके जो अपनी गाड़ी नाश्ता करने के बाद या नाश्ता करने से पहले गाड़ी मैं लेके आऊँगा वहाँ से बैग से निकाल के फ्रंट गेट पे, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें वगैरह लेके जानी है जो हम साथ लेके आए थे और वो जो है पीछे से लेके जाने का रास्ता नहीं है, तो हम फ्रंट गेट पे लेके हम करने लगे हैं जी अभी नाश्ता। और नाश्ते में है जी हमारे पास गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो अभी हम करेंगे जी नाश्ता और नाश्ते के बाद करेंगे जी वापसी की तैयारी। कुछ नहीं क्यों इतने अफसरदा खड़े हैं सर जी, क्या सोच रहे हैं? दुख हो रहा है कि तुम लोग जा रहे हो। दुख तो हमें भी हो रहा है ना जाओ लेकिन ये जो हमारे साकिब भाई है ना, इनका सारी कारस्तानी है। क्या घर फिल्म नहीं डाल गए थे? फिल्म डाल गए थे। अभी किधर जाना है साकिब भाई आपने? घर घर नहीं, उधर प्लाजे पे नहीं जाना आपने? साइड पे बाइक लेके आप प्लाजे पे जाएंगे सीधा? यार एक बंदा है मेरे साथ यार, मुकदम भाई वो आया ना आपके साथ, वो एक तो वो है ना। गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी हमारी खड़ी है बैक साइड पे, तो मैं अभी उसको गाड़ी को बैक से निकाल के फ्रंट गेट पे लाता हूँ, हमने कुछ सामान वगैरह रखा है। अच्छी अपनी गाड़ी खुल गया बैक गेट, चलो गाड़ी का शीशा जो है ना वो खड़ी रही है 2 दिन पीछे बैक साइड पे, और हल्की हल्की जो है ना एक दिन यहाँ पे बूंदा बांधी हुई थी, तो उस वजह से गाड़ी का शीशा जो है वो अगर आप देखें तो काफ़ी गंदा हो गया। तो अभी मुझे इसको जो है ना, क्योंकि मोटरवे पे जाना तो इसका साफ करना ज़रूरी है, तो इसको कर लेते हैं हम साफ। चलो जी अब जो है ना शीशा हमारा काफ़ी बेहतर हो गया, तो हम चलते हैं। गाड़ी को मैं लगाता हूँ फ्रंट गेट पे और सामान रखते हैं हम। पार्किंग और हैंड ब्रेक, और अभी चलते हैं हम सामान रखते हैं। ये है जी हमारे जो को सीईओ हैं, बॉस हैं हमारे, उनका बेटा। से हेलो, से हेलो गजान। हेलो, लेट कैन यू पुट योर वन मोर? नो नो नो, योर फिंगर विल हर्ट, डोंट डू दिस। प्लीज गेट असाइड। दूसरी गाड़ी में से ना आवाज़ आ रही थी वो टूओं की, मैंने कहा पता नहीं कोई दरवाज़ा या लाइट ऑन रह गई। गजान गो इनसाइड। ये जो है ना जी, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, ये आया है सिंगापुर से, ये लोग ना हमारे जो बॉस की फैमिली वो सिंगापुर से आई है, तो इनका जो बच्चों का जो है इनको उर्दू बहुत कम आती है, तो ये ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं। आपको दिखाते हैं जी एक मज़े की चीज़, ये यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे
इधर गार्डन में छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है एक प्लास्टिक के गमले बने हुए हैं छोटे छोटे, और इनके अंदर लगे हुए हैं पौधे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इन पौधों के ऊपर बच्चों का या किसी बच्ची का नाम लिखा हुआ है। ये पूछते हैं कि ये क्या लॉजिक है। सर जी, ये जो आपने ये जो पड़े हुए पौधे, ये नाम की क्या लॉजिक है? ये बच्चों ने अपने कल्टीवेशन पड़ी, जमीनेशन पड़ी है, इनके बच्चे स्कूल भी है ना यहाँ पर, तो ये बच्चे यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ के वर्कशॉप हो रही थी बच्चों की तो जर्मिनेशन बच्चों ने पढ़ी है कि पौधा कैसे लगता है, किस तरह से होता है, बीज कैसे फूटता है, उसके अंदर से क्या होता है, वो सारी चीज़ें पहले पढ़ी हैं, फिर यहाँ प्रैक्टिकली आके इन्होंने किया। जिस बच्चे ने पढ़ा था उस बच्चे ने अपने नाम को पौधा लगाया है, तो वो बच्चे रोज़ जो है ना इसको पानी देते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, और फिर अपने पास उसका वो पूरा जो है ना वो बनाते हैं कि जी अब इसका ये लेवल, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर द लर्निंग। बच्चों की इस एज में, जो ये गजान का एज है, इसमें इसने पौधा उगाना, पौधे के बीज को क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है, वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं इनके नाम के पौधे। ठीक हो गया। गजान कम है, व्हाट इज दिस प्लांट, विच प्लांट यू हैव ग्रोन, विच प्लांट, वेयर इज योर नेम, दिस वन, ओके, एंड वेयर इज योर प्लांट, देयर इज नो प्लांट इनसाइड दिस, नो, ओ ये अच्छा, इसके अंदर जो है ना बीज है, बीज रह गया, पौधा जो है ना वो मेरे ख्याल से सड़ गया या अभी निकला नहीं है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। तो सर कोई बात बुरी लगी तो माजरत। इंजॉय किया आपने? बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने खुशी हुई मुझे, दुख है कि तुम जा रहे हो जल्दी। वो सर अब ये साकिब भाई जो है ना हमारे, इनकी वजह से जा रहे हैं। क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है तो? नहीं नहीं सर, किस बात का थैंक यू? हॉस्पिटैलिटी के लिए। मेरा बैग किधर है? ये पकड़ो यार, सही ये सही नहीं रखा यार आप लोगों ने। अब ये बैग पैकिंग का वो क्या दिखाओगे तुम उसमें? कट, चलो यार, बाकी आगे बैठो। नहीं नहीं यार, 70 इंजीनियर हैं, आप बैठे हैं। 70 इंजीनियर हमें से जो है ना, एक हमारे पास एक सीडी 70 इंजीनियर भी है ना, शजील भाई के टाइटल के साथ हमने सीडी 70 कर दी है। हम में से एक बंदे की पोस्ट का नाम है सीडी इंजीनियर, तो उसको हम प्यार से बोलते हैं सीडी 70। मैं उतार रहा हूँ, एसी कर लीजिए ऑन, गर्मी बढ़ी है, और सबसे मेन चीज सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है जी, सीट बेल्ट लगा ले हम। शजीब भाई आप भी सीट बेल्ट लगाए। अच्छा, हम लोगों ने चीजें सारी रख ली है, एक कमरा चेक कर लिया था एक दफा। वो जो मेरा पीछे ये, अच्छा मेरा ब्लाइंड ये पड़ा हुआ है, तो हमें लग गया था जी थोड़ा सा अपलेखा, बातों में ध्यान नहीं रहा, तो अभी मैंने गाड़ी किया रिवर्स, तो अभी हम लेते हैं इस वाले टूल से एग्जिट। हम आ गए जी अशरफ दाल, अभी हम पहुंचे हैं और हम आए अशरफ दाल के घर। हाजी साहब को उतारा जी, और हाजी साहब को और साकिब साहब को उतारा, इसके बाद हम शजीद साहब को उतारेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने घर। अच्छा हाजी साहब, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू साकिब भाई, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? चाचा कहते हैं इसे, मोलेगा चाचा जी। ये बिल्ले इलाका है, ये बिल्लियां मारता है हमारे। सेहत से लगता तो नहीं है चाचा जी? क्या सेहत के हिसाब से लगता नहीं चाचा? बूढ़ा है ये, बूढ़ा है। चलें जी शरीफ साहब, आपका आ गया स्टॉप, चलो मुझे दीजिए इजाजत। ओके, मिल तो लें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह। चलें जी, हम चलते हैं अब अपने घर को। दोस्त है, अब आपको हमने उतार दिया और अब हम अपने
अपने घर को चलते हैं, इधर से निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच गए हैं अपने घर और गाड़ी जो है वो फ़िलहाल मैं यहीं पे पार्क करूंगा, वो इसलिए कि एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। गाड़ी इसलिए यहां पे मैं पार्क करूंगा क्योंकि अभी अंदर खड़ी हुई है कल्टस, कल्टस को पहले बाहर निकालना पड़ेगा और फिर ये बड़ी गाड़ी को अंदर खड़ी करेंगे। और सामने ये जो आपको चादर सी नज़र आ रही है, ये यहाँ पे होता था जनाब पहले गेट, ठीक है, डबल गेट होता था, लेकिन वो थोड़ा सा इशू हो गया और वो किसी वजह से जो है हमें ये जो सामने गेट है ये उतारना पड़ा, जिसकी वजह से टेम्परेरी जो है ना हमने यहाँ पे जस्ट फॉर दी कह लें कि कवर करने के लिए ये सामने जी हमने लगाया है चादर, फिलहाल लगाई है इसके, और कुछ दिनों तक जो है ना हम यहाँ पे जिस तरह ग्रीन शीट जो है, जिस तरह आप ऊपर लगी हुई नज़र आ रही है आपको, तो ग्रीन शीट जो है ना हम यहाँ पे लगाएंगे कि थोड़ा सा ना पर्दा हो जाए। तो चलते हैं जी अभी घर, जाके रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं। बड़ी गाड़ी पे चढ़ाना है जी अभी कपड़ा, लेकिन उससे पहले शावर में हुई थी बारिश, और बारिश के नतीजे में, बारिश नहीं हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उस बूंदाबांदी के नतीजे में एक गाड़ी जो है हमारी थोड़ी थोड़ी, अगर देखें तो ये आपको इस साइड से, इस साइड से नज़र आएगा ये चीज़, तो गाड़ी हो गई है थोड़ी सी, मिट्टी जो है ना इसके ऊपर वो लग चुकी है। तो अभी देखते हैं कि इसको हम खाली, अगर कपड़े से ही साफ़ हो जाती है तो अच्छी बात है। या गाड़ी हो गई है जी साफ़, लेकिन साफ़ मैंने जो है ना फ़िलहाल सिर्फ कपड़े से किया है, कपड़े से इसलिए की है कि गाड़ी पे थे निशान और हमारे यहाँ पानी आता है टाइम से, तो पानी जाने का हो गया था टाइम, इसलिए जो है ना मैंने सिर्फ कपड़ा मार के मिट्टी उतारी है, बाकी हम इसको दो तीन दिन में जो है ना, ताकि एटलीस्ट कवर तो ऊपर चढ़ जाए ना, और कवर चढ़ जाए, कवर हो जाए मिट्टी वगैरह से, बारिश वगैरह से, थोड़ा पीछे पीछे, और फिर दो तीन दिन बाद जो है ना किसी टाइम निकाल के इसको प्रॉपरली पानी मारेंगे और इसके जो है ना साफ़ करके फिर इसके ऊपर इसकी सफाई होगी ठीक से। आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे ख़त्म, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त, और तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का, और स्पेशली अपने पेरेंट्स का रखिए ढेर सारा ख्याल। तो मुझे दीजिए जी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।